नमस्ते, मैं प्राची गुप्ता क्लास 6 की गणित की कक्षा में आप सबका स्वागत करती हूँ। आज के रिवीजन में हम पूर्णांकों पर गुणन की संक्रिया देखेंगे। जब गुणा करते समय एक दोनों संख्याएं प्लस में होती हैं तो उनका आंसर भी प्लस में आता है, यानी दो धन पूर्णांकों का गुणनफल धन पूर्णांक होता है। जैसे प्लस 6 इंटू प्लस 3 इज इक्वल टू 6 3 18, और दोनों प्लस में हैं तो साइन भी प्लस का आएगा। अब दो ऋण पूर्णांकों का गुणनफल भी धन पूर्णांक होता है, यानी एक संख्या माइनस में है दूसरी भी माइनस में है तो दोनों का गुणा तो होगा, माइनस 2 इंटू माइनस 4 तो 4 2 8 होगा, लेकिन दोनों माइनस में हैं इसलिए साइन प्लस में आ जाता है। जबकि जोड़ के समय क्या था, दोनों संख्याएं अगर माइनस में हैं और उनके बीच में प्लस का साइन है तो जुड़ता तो था लेकिन साइन माइनस ही रहता था। ये बात याद रखिएगा, इसमें कन्फ्यूज़ नहीं होइएगा। जब दोनों संख्याएँ माइनस में हैं और उनके बीच में गुणा है तो जो साइन आता है वो प्लस का आता है, और अगर एक संख्या माइनस में और एक संख्या प्लस में हो तो साइन हमेशा माइनस का लगता है। प्लस 7 इंटू माइनस 5 तो 7 5 35, लेकिन साइन हमेशा माइनस का आएगा, मतलब एक धनात्मक और एक ऋणात्मक पूर्णांक का गुणनफल हमेशा ऋणात्मक पूर्णांक होता है। पूर्णांक ये हो गया और ऋण आगे माइनस का चिन्ह लगाया ना, यानी कि ऋण पूर्णांक या ऋणात्मक पूर्णांक हो गया। माइनस 2 इंटू प्लस 8 यानी माइनस 16, तो क्या हो गया, 8 2 16, और ये हो गया माइनस का साइन, तो ये हमेशा माइनस रहेगा। ये कुछ सवाल हैं जिनकी आप फिर से प्रैक्टिस करिएगा। 5 इंटू माइनस 2, एक प्लस में है एक माइनस में है तो साइन कौन सा रहेगा, माइनस का, गुणा तो होना ही है, 5 2 10 ही आना, साइन होगा माइनस का। दोनों संख्याएं प्लस में हैं तो साइन आएगा प्लस का, और 7 7 49, और दोनों संख्याएं माइनस में हैं तो 3 4 हो गया 12, और दोनों संख्याएं माइनस में हैं तो भी साइन आएगा प्लस का। अब आप देखेंगे कि अगर ज़्यादा पूर्णांक हैं, एक इस तरह का कि पहला पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक प्लस तीसरा पूर्णांक, यानी दो संख्याएं प्लस में हो ब्रैकेट के अंदर हो और उन्हें किसी एक संख्या से गुणा करना हो, तो हम क्या करते हैं कि पहली संख्या से दूसरी संख्या को पहले गुणा करते हैं, बीच में जो भी साइन होता है उसे लगाते हैं, और फिर पहली संख्या से तीसरी संख्या को गुणा करते हैं। सूत्र क्या बना, पहला पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक प्लस तीसरा पूर्णांक इज इक्वल टू पहला पूर्णांक इंटू दूसरा पूर्णांक प्लस पहला पूर्णांक इंटू तीसरा पूर्णांक। जैसे -2 × 3 + 5, तो इसका मतलब ऐसा नहीं है कि 3 को 2 से गुणा करना है, हमें -2 से 3 और 5 दोनों को गुणा करना है। हम क्या करेंगे, सूत्र के हिसाब से -2 × 3, बीच में प्लस का साइन था दोनों के बीच में तो प्लस आएगा, -2 × 5 यानी -2 × 3 प्लस -2 × 5। अब हम इसे सॉल्व करेंगे तो -2 और 3 को हमने गुणा किया, एक प्लस में है माइनस में है तो -6 आया, बीच में प्लस का साइन, और -2 × 5 तो फिर से माइनस के साइन में, 5 2 10। अब ये दोनों जो है माइनस माइनस में हो गए तो आया -16, दोनों जुड़ गए तो आया -16। अब हम भाग पर देखते हैं कि कैसे ये साइंस का हमें ध्यान रखना होता है भाग की प्रक्रिया में। तो अगर भाग में बटे में संख्याएं लिखी जाती हैं तो ऊपर की संख्या नीचे की संख्या दोनों अगर प्लस में हैं यानी धन है तो आंसर हमेशा प्लस में आता है। 35/5 तो 5 7 35 होता है तो आंसर तो 7 होया, लेकिन ये जो है प्लस में है और नीचे भी प्लस में है तो आंसर प्लस में आएगा। अगर ऊपर भी माइनस है नीचे भी माइनस है तो भी आंसर प्लस में आएगा। -18/-6 तो क्या होता है, इसमें ये दोनों साइंस आपस में कट जाते हैं जब भाग में होती है संख्या, गुणे में नहीं होता ऐसा, कटती नहीं है संख्या। 3 5 15 हुआ तो ये प्लस में आ गया 5। और ऐसे ही अगर एक संख्या ऊपर वाली प्लस में है नीचे वाली माइनस में है, या ऊपर वाली माइनस में है नीचे वाली प्लस में है, दोनों ही कंडीशन में जो आंसर आएगा उसमें चिन्ह माइनस का लगेगा। जैसे -16/4 है तो 4 4 16 होता है, आंसर तो 4 हुआ, मगर एक माइनस है एक प्लस है तो माइनस में आया। उससे फ़र्क नहीं पड़ता कि कौन सा ऊपर माइनस है या नीचे प्लस है, या नीचे माइनस है ऊपर प्लस है, हमेशा आंसर माइनस के साइन में आएगा। ये कुछ सवाल हैं, इन्हें आप कर सकते हैं कि 20,000 बटे या भाग की का चिन्ह लगा के भी आ सकता है, या ऐसे स्लैश लगा के भी आ सकता है, तो उसका मतलब आपको पता है कि वो भाग ही है। एक प्लस में है एक माइनस में है तो चिन्ह माइनस का होगा, और 1000 से जब 20,000 को भाग देंगे तो आंसर आएगा -20। तो ये कुछ जो सवाल आप पहले कर चुके हैं इनकी फिर से प्रैक्टिस करके ज़रूर देखिएगा, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में इस तरह से सवाल मिलेंगे कि मान ज्ञात कीजिए
या भागफल ज्ञात कीजिए या गुणनफल ज्ञात कीजिए। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।